राज्यसभा सांसद डॉक्टर एस के हसन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश को संबोधित करने के उपरांत बड़ा बयान देते हुए कहा कि सबसे पहले तो देश 130 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट होना चाहिए था, इसमें लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का खर्च आता, तभी जाकर लॉकडाउन खोलने के बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि अब लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद सबसे ज्यादा देश के बच्चे और बुजुर्ग इसके शिकार होंगे। और प्रधानमंत्री द्वारा राहत पैकेज का स्वागत, लेकिन अगर ये राहत पैकेज गरीबों के लिए है तो पिछला तजुर्बा बयान करता है कि राहत केवल उद्योगपतियों को ही मिली है, अभी तक गरीबों के खाते में 15 लाख भी नहीं आए हैं। राहत पैकेज की सबसे ज्यादा जरूरत प्रवासी मजदूरों को है। राहत पैकेज फ्री होना चाहिए, ना कि लोन की तरह हो। ये लॉकडाउन को तो हम ये समझते हैं कि जहाँ पे रेड स्पॉट्स है उसको टोटल सील कर देना चाहिए, ना उसमें एंट्री हो ना उसकी एग्जिट हो, और जो ग्रीन स्पॉट्स है वहाँ पे लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लोग अपना कारोबार करें। और ऑरेंज जोन वालों को भी अभी सील रखें, जब वो ग्रीन में आ जाए तो उसे खोल देना चाहिए। और जहाँ तक आर्थिक पैकेज का सवाल है, अगर ये वापसी धरातल पर उतर आए तो स्वागत योग्य है, लेकिन पिछले तजर्बे हमें ये बताते हैं कि ये ज़मीनी हकीकतों से ऐसी चीज़ें बहुत दूर हुआ करती हैं। कहने को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पर क्या होगा, पिछले तजर्बे हम लोगों ने देखे, 15 लाख भी हमारे खातों में आ रहे थे। ये पैकेज किस सूरत में आएगा, क्या गरीब को पहुंचेगा या सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलेगा, क्या गरीब के खाते में पैसे जाएंगे, क्या गरीब की रोजी रोटी या उसको खाने पीने का सामान दिया जाएगा, क्या उन मजदूरों को जो इस वक्त हज़ारों मील का सफ़र पैदल कर रहे हैं, जिनके पैरों में छाले पड़ गए और जिनके जूते घिस गए और उन्होंने पानी की बोतलें बांध दी हैं, उनके लिए इसमें क्या किया, उनको वापस उनके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी। क्या इस पैकेज में वो भी ख्याल रखा गया है, उनके लिए बसें, उनके लिए ट्रेनें और फ्री सफ़र का इंतजाम किया गया है या नहीं किया गया। और मैं सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त ये समझता हूँ कि अगर हमें कोरोना की जंग जीतनी है तो हमें सारी पॉपुलेशन के टेस्ट कराने चाहिए। पूरी पॉपुलेशन के टेस्ट कराने में तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपया लगेगा, और जो पॉजिटिव हो उसको अलग कर दें और जो नहीं हो उसको एडिशन, तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक जितने भी मरीज़ हैं जिनको कोई सिम्टम ही नहीं है, जब वो बाज़ारों में और ज़्यादातर घूमेंगे तो वो दूसरे को तो इन्फेक्शन दे देंगे, और उन लोगों के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, उनकी बहुत बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत तो इस वक्त इस बात की थी कि टेस्ट होते हैं, उस पर पैसा खर्च होता है, ताकि कोरोना से तो हम निपटे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट को पुशअप करना ये सरकार की पुरानी आदत है। मेरी तो यही डिमांड है कि इस पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा गरीब तक पहुँचाएँ, गरीब को राशन दें और उनको घर पहुँचाने का इंतज़ाम करें, और ये सारी पैसा लोन की शक्ल में ना दिया जाए बल्कि उनको फ्री दिया जाए। उनका भी हमारे देश पे उतना ही हक है जितना इंडस्ट्रियलिस्ट का हक। सर, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि ये चौथा लॉकडाउन एक नए रंग में होगा। आप समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, लोकसभा में मुरादाबाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपके अनुसार कौन से रंग में इसे रंगना चाहिए? ये तो देखिए प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या चल रहा है, मैंने तो आपको बता दिया कि मैं क्या चाहता हूँ। अभी लॉकडाउन हॉटस्पॉट से हर किस खत्म नहीं होना चाहिए। अभी जो ग्रीन एरियाज हैं हॉटस्पॉट को सील करके ग्रीन एरियाज में खुलना चाहिए लॉकडाउन को, हमारे इंडस्ट्री को, हमारे मजदूर को, हमारे लघु उद्योगों को, हमारे आर्टिजन्स को पूरी सहूलतें मिलनी चाहिए, उसको पैसा मिलना चाहिए ताकि उन्हें नुकसान हुआ है उसे कवर कर लें। और जब आर्टिजन्स को और लघु उद्योग वालों को पैसा मिलेगा तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और देश की इकोनॉमी भी बेहतर होगी। सर, लोकल अपनाने पर जोर दिया गया है, लोकल शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, कितना सही है? लोकल जो सामान बनता है उसको खुद इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए GDP का आंकड़ा ही लोकल कंजम्पशन से निकलता है। जब अपना हम प्रोडक्ट्स को हम लोग खुद इस्तेमाल करेंगे तो ही हमारे GDP आगे बढ़ेगा। हम अगर एक्सपोर्ट वाले चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो GDP आगे नहीं बढ़ेगा। सर, भारत की 10% GDP का नाम लिया गया कि ये दिया जा रहा है,
तो इससे भारत को कितना नुकसान होने वाला है या कितना प्रॉफिट होने वाला है? देखिए, अगर ये लोकल प्रोडक्शन बढ़ाना है तो जीडीपी को ये कवर कर लेगा, और अगर ये सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को खुश करने के लिए दिया जा रहा है तो और हम बैंकरप्सी की तरफ चल पड़ेंगे।